हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। चैलेंजिंग सीरीज के डे 135 के सॉल्यूशन में देखेंगे, तो बिना देरी किए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है विद क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो बिना देरी के हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल तुम्हारा क्या है, बोल रहा है राम एंड सैम आर प्लेइंग चेस टुगेदर। राम और सैम जो है क्या कर रहे हैं, साथ में चेस खेल रहे हैं, ठीक है। राम नोज टू रोज इन विच ही हैज टू पुट ऑल द पीसेस, ठीक है। राम को मालूम है कि वो दो रो में उसको रखना है सभी पीसेस को, लेकिन बट ही डज नॉट नो हाउ टू प्लेस देम, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि कैसे रखना है उसको, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पुट्स ऑल द पीसेस इन राइट प्लेस, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सभी पीसेस को क्या करेगा, राइट प्लेस पे रखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम ये जान लो कि चेस में तुम्हारे वो जो 16 एक राम के लिए जो होगा, 8 और 8 का दो कॉलम, उसमें होता क्या क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा होता है ए पॉन्स, ठीक है, फिर दो बिशप, दो नाइट, ठीक है, दो रुक्स, वन मिनिस्टर एंड वन किंग, ठीक है। तुम्हारा एक चेसबोर्ड है इस तरीके से, एक एंड दो कॉलम, एक दो तीन चार पाँच छ सात एंड आठ, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, एट पाउंड है, टू बिशप है, फिर क्या दिए हुए तुम्हारा, टू रुक्स दिए हुए है, फिर दिए हुए है टू नाइट्स, एंड फिर क्या दिए हुए तुम्हारा, वन किंग एंड वन मिनिस्टर, ठीक है। पॉन मतलब तुम्हारा हो गया, तुम्हारे जो सिपाही जिसको बोलते हो उसको तुम हम लोग क्या बोलते हैं, वो पॉन बोलते हैं। तो सिपाही का जो फिक्स है, वो सिपाही क्या, ये जस्ट हम बता रहे हैं कि चेसबोर्ड में कैसे कैसे बैठता है। तो सिपाही जितने भी हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, यानी कि एट पॉन जो हो गए वो यहाँ पे हो, ठीक है। बाकी बचे ये आठ लोग जो हैं, ये आठ लोग किस रो में हो जाएंगे, इस वाले रो में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हमारा बैठ रहा है। अगर तुम हिंदी जानना चाहते हो तो बिशप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंट बोलते हैं, ठीक है। रूक्स को हम लोग हाथी बोलते हैं, ठीक है। नाइट को हम लोग घोड़ा बोलते हैं, और ये तो तुम्हें पता है कि किंग राजा और मिनिस्टर मंत्री, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखो, इसमें तुमसे सवाल में पूछा क्या है, एक्चुअली सवाल में तुमसे पूछा है व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट ही पुट्स ऑल द पीसेस इन द राइट प्लेस, ठीक है। सभी प्लेसेस को राइट प्लेस पे बैठाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये तुम्हें बतानी है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए तुम देखो क्या करोगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बराबर में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बराबर में होता है नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि फेवरेबल जिसको तुम बोलते हो, ठीक है, और बटे में तुम क्या लिख देते हो, टोटल लिख देते हो, ठीक है। तो फेवरेबल और टोटल में आ रहा है तुम्हें। अब टोटल की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब क्या कि सिंपली ये 16 लोगों को 16 जगहों पे हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। अब तुम्हें ये देखो कि एट पॉन जो होंगे वो सारे एट पॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। ये टू बिशप जो होगा वो सिमिलर, टू नाइट जो होगा वो भी सिमिलर, टू रूक जो होगा वो भी सिमिलर, वन मिनिस्टर एंड वन किंग, ठीक है। तो टोटल 16 लोग हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 16 चीजों का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 16 फैक्टोरियल हो जाएगा बटे में। अब देखो, जब तुम्हें मालूम है प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा जाता है कि जब कोई भी चीज़ रिपीटेशन में होती है, ठीक है, तो जितनी बार वो रिपीट होती है उतना बार हम लोग क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। मतलब सिमिलर चीज़ अगर कोई रहता है तो उतना ही बार हम लोग क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एट जो पॉन है वो सारे क्या है, सिमिलर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एट फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टू भी सब सिमिलर है तो टू फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। टू नाइट भी सिमिलर हैं, टू फैक्टोरियल से डिवाइड, और टू रुक्स हमारे सिमिलर हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, टू फैक्टोरियल से डिवाइड। ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल नंबर ऑफ रेज, जो कि क्या हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं, 16 फैक्टोरियल बटे में, इसको 8 फैक्टोरियल रहने दो, और यहाँ से 2 × 2 × 2 तुम क्या बोलोगे, 8 बोलोगे, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, 16 फैक्टोरियल बटे में 8 फैक्टोरियल इंटू में क्या निकल के आ गया तुम्हारा, 8 ये निकल निकल के आ गया तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ वेज निकल के आ गया, ठीक है। जब तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ वेज निकल गया तो तुमसे सवाल में प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये तुम्हारा टोटल निकल गया फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था, कि वो सबको सही जगह पे बैठाएगा। तो देखो, सबको सही जगह पे जो बैठाएगा वो कितने तरीके से बैठा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, यानी कि तुम्हारा फेवरेबल जो निकल के आ गया, फेवरेबल निकल के आ गया एक तरीका से, यानी वन बेस, ठीक है। अब तुम्हें सीधा सीधी प्रायोरिटी निकालनी है, प्रायोरिटी में सबका वैल्यू बैठा दो, तो प्रायोरिटी में जब तुम वैल्यू बैठाओगे तो यानी कि फेवरेबल तुम्हारा एक हो गया बटे में 16 फैक्टोरियल,
और डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल गुने में 8, ठीक है, 8 फैक्टोरियल गुने में कितना 8। अब इसी को फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये वाला टर्म जो है हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 8 फैक्टोरियल गुने में 8 बटे में क्या है हमारा 16 फैक्टोरियल, ठीक है, जिसको तुम लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल गुने में 8 बटे में 16 गुने में 15 फैक्टोरियल, 8 से कट गया दो बार में, यानी कि तुम्हें फाइनली रिजल्ट जो निकल के आया वो तुम्हारा रिजल्ट क्या निकल के आया, फाइनल रिजल्ट 8 फैक्टोरियल बटे में 2 गुने में 15 फैक्टोरियल, और यही हमारा आंसर है 8 फैक्टोरियल गुने में बटे में 2 गुने में 15 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सवाल में लिटरली कोई जान नहीं था, सवाल में सबसे बड़ा चीज़ था इसका अरेंजमेंट निकालना, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने बोली थी वो तो सबसे आसान था कि फेवरेबल जो है वो सही जो है सिर्फ एक ही तरीके से बैठा सकता है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है चेस बोर्ड में सही बैठाने का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारा इस तरीके से आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ, इसमें मेन जो प्रॉपर्टी है तुम्हारा रोल प्ले कर रहा है वो रोल प्ले कर रहा है टोटल नंबर ऑफ फेज निकालने में, तो टोटल नंबर ऑफ फेज निकाल लो, उसके बाद सारा चीज़ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल तुम लोगों को क्लियर होगा, तो वीडियो जाके लाइक करना है और दबा के शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू।